सुल्तानपुर से पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र को कनेक्ट करने वाले लखनऊ वाराणसी NH-56 का अधूरा काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। दरअसल लंबुआ विधानसभा के भाजपा विधायक सीताराम वर्मा व भाजपा सहकारी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक रामचंद्र मिश्रा ने भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से इस संबंध में भेंट की। इसके साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्द ही निर्माण कार्य पूरा कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि वाराणसी लखनऊ NH-56 को 4 लाइन किया जाना था। वहीं इस मार्ग के चौड़ीकरण के लिए वर्ष 2015 में टेंडर हुआ, वर्ष 2016 के अंत में कार्य शुरू हुआ। वहीं अप्रैल 2019 में सुल्तानपुर से लखनऊ का कार्य पूरा हो गया। वहीं इस मार्ग पर वाहन फर्राटे से दौड़ रहे हैं, लेकिन सुल्तानपुर से वाराणसी मार्ग पर कार्य शुरू हुए करीब 4.5 वर्ष का समय बीत गया, लेकिन 1,792 करोड़ की लागत से बनने वाले 139 किलोमीटर मार्ग का यह पूरा कार्य नहीं हो सका। वहीं इस मार्ग पर जिले में हनुमानगंज, लंबुआ व चांदा में 3 बाईपास बनने हैं। इसके अलावा शहर के अहमट में 1 फ्लाईओवर भी बनना है। वहीं विधायक ने बताया कि इस बारे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बातचीत हुई है, यथाशीघ्र निर्माण कार्य कराने का अनुरोध भी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।